हेलो, कैसे हैं आप सब लोग। यूट्यूब ड्राइव स्टार का आपको नमस्कार है। आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज 8वां अध्याय का अध्याय आपका पढ़ने जा रहे हैं हम लोग, तो प्रस्तुत कर रहे हैं आप लोगों के आगे 8वां अध्याय। धोवा, काली ने जब कर दिया चंड मुंड का नाश, सुनकर सेना का मरण हुआ निशुंभ उदास। तभी क्रोध करके बड़े आप आगे, खट्टे दिए के देते जो रन से भागे। कुलों की कुले असुरों ली बुलाई, दिया हुकुम अपना उन्हें सुनाई। चलो युद्ध भूमि में सेना सजा के, फिर देवियों का निशा तुम मिटा के। अधा युद्ध और सुनते देते योद्धा, भरा उनके दिल में भयंकर क्रोधा। असुर रक्त बीज को ले साथ दाए, चले काल के मुंह में सेना सजाए। मुनि बोले वे राजा शुभ अभिमानी, चला हाथ भी हाथ में धनुष तानी। जो देवी ने देखा नहीं सेना आई, धनुष थी कभी डोरी माँ ने चढ़ाई। वह टंकार सुन गूंजा आकाश सारा, महाकाली ने भी साथ किलकार मारा। क्या सिंह ने भी शब्द फिर भयंकर, आए देवता ब्रह्मा वे शंकर। हर एक अंश से रूप देवी ने धारा, वज नाम से नाम उनका पुकारा। ब्रह्म बनी ब्रह्मा के अंश देवी ब्राह्मणी, चढ़ी हंस माला कमंडल निशानी। चढ़ी बैल त्रिशूल हाथों में लाई, शिवा शक्ति शंकर की जग में कहलाई। वे अम्बा बनी स्वामी कार्तिक की अंशी, चढ़ी गरुड़ आई जो थी विष्णु वंशी। वार हंस रूप वार आई आई, वे नरसिंह से नरसिंह कहलाई। एरावत चढ़ी इंद्र की शक्ति आई, महादेव जी कि तब ये आज्ञा सुनाई। सभी मिलके देवताओं का संहार कर दो, सभी अपने अंशों का विस्तार कर दो। इतना कहते हुई हुआ भारी शब्द अपार, प्रगटी देवी चंडिका रूप भयानक धार। घोर शब्द से गर्ज कर शंकर से जाओ, बनो दू संदेश ये देवते को पुचाओ। जीवित रहना चाहते हैं तो जा बसे पाताल, इंद्र को त्रिलोक का देवे राज्य संभाल। नहीं तो आए युद्ध में जस जीवन की आस, इनके रख से बुझेगी महाकाली की प्यास। शिव को दूत बनाने में शिवदूती हुआ नाम, इस चंडी मां माया ने किया घोर संग्राम। देवतों ने शिव शंभू की मानी एक ना बात, चले युद्ध करने सभी सेना साथ। असुरी सेना ने सब तभी ली शक्तियां घेर, चले तीर तलवार जब युद्ध की छेड़। देवत्यों पर सब देवियां करने लगी प्रहार, चिन्हर में होने लगा असुर से असहार। दसों दिशाओं में मचा भयानक हाहाकार, नव दुर्गा का छा रहा वहां तेज अपार। सुन काली की गर्जना हुए व्याकुल वीर, चंडी ने त्रिशूल से कलेजे चीर। सिद्धुति ने कर लिए भसन के शरीर, अम्बा की कल तलवार ने की ने देते अधीर। यह संग्राम देत गया देते खीज, तब युद्ध करने बड़ा रक्त बीज। गदा जाते ही मारी बलशाली ने, चलाए कई बार तब काली ने। लगे तीर सीने से वापस फिरे, रक्त कतरे गिरे। रुद्र देते जब जमी पर बहा, हुआ प्रकट फिर देते भी लगा। फिर उनके रक्त कतरे गिरे, उन्हीं से कई देते पैदा हुए। ये बढ़ती हुई सेना देखी जबी, तो घबरा गए देवता भी सभी। विकल हो गई जब सती सत्या, तो चंडी ने महाकालिका से कहा, करो अपनी जीवा का विस्तार। तुम फैलाओ ये अपना मुंह एक बार, तुम मेरे शस्त्रों से लहू जो गिरे, वे धरती के बदले जुआ पर पड़े। लहू देते हो का सब पियो जाओ तुम, ये लहा से भी भसन कियो जाओ तुम। ना इसका जो लहू गिनने पाएगा, तो मारा असुर निश्चय ही जाएगा। इतना सुन महाकाली ने क्या भयानक वेश, घर से घबरा कर हुए देव व्याकुल देते नरेश। रक्त बीज ने तब लिया चंडी पर प्रहार, रोक लिया त्रिशूल से जगदम्बे ने वार। तभी क्रोध में चंडी का आगे बढ़कर आई, अपनी खड़क से देवते की गर्दन काट गिराई। शीश कटा तो लहू गिरा, चामुंडा गई पी। रक्त बीज के रक्त से ना सके निशाचर जी। महाकाली मुंह खोल के धाई, देवते के रुधिर से प्यास बुझाई। धरती पे लहू गिरने ना पाया, खप्पर भर दी गई महामाया। बह उनाश तब रक्त बीज का, तब प्रसन्न हो काल का। असुर सेना सब दीन संगहारी, युद्ध में भयो कुलाहल भारी। देवता गंतवती हर्षाए, सदियो धरियो शीश शक्ति पद आए। कर जोड़े सब विनय सुनाए, महामाया की स्तुति गाए। चंडे का तब दीनो वरदाना, सब देवन का क्यों कल्याणा। खुशी से नृत्य क्या शक्ति ने, वर्य नरेंद्र दिया शक्ति ने। जो यह पाठ पढ़े या सुनाए, मन वांछित फल मुझसे पाए। उसके शत्रु नाश करूंगी, पूरी उसकी आस करूंगी। मां संपुत्रों को मैं पालूंगी, सभी भंडारे भर डालूंगी। तीन काल है शक्ति का वरदान, नव दुर्गा के पाठ से सबका कल्याण। भक्ति शक्ति मुक्ति का यही भंडार, इसी के आश्रय ए निरंदर हो भव सागर पार। नवरत्नों में जो पड़े देवी के मंदिर जाए, कहे मार्कंडे ऋषि मन वांछित फल पाए। वरदाने वरदाती वरदायनी सबकी आस पुजाए, प्रेम सहित महामाया की जो भी स्तुति गाए। सिंह सवारी मैया की मन मंदिर जब जाए, किसी भी संकट में पड़ा भक्त नहीं घबराए। किसी भी जगह शुद्ध हो पड़े या पाठ सुनाए, नरेंद्र भवानी की कृपा उस पर ही हो जाए। न दुर्गा के पाठ का यह 8वां अध्याय, निस दिन पड़े जो प्रेम से शत्रु नाश हो जाए।
तो ये आज अगर आप इसे ऐसे ही पढ़ेंगे तो शत्रुओं का सबका नाश होता चला जाएगा, आपको हर जगह विजय मिलती चली जाएगी, आप हर क्षेत्र में हर उसमें जीतते चले जाओगे। तो इसी के साथ आठवां अध्याय हमारा समाप्त हुआ। हम फिर आपसे एक बार कह रहे हैं, आप इसे सुने, इसे पढ़ें, रोज कोशिश करें कि हम किसी भी तरीके से एक पाठ पढ़ लें, एक पाठ ना पढ़ लें, पूरी किताब पढ़ लें, जो आपका मन करे वो कर लें, लेकिन पढ़ जरूर लें, मेरा आपसे पुनः आग्रह है। नहीं पढ़ सकते तो YouTube पे हमारा है, किसी और का है, अरे किसी का भी सुन लीजिए, माँ को प्रसन्न कर लीजिए किसी भी तरीके से। माँ तो वैसे भी माँ है, प्रसन्न हो जाएगी, लेकिन अगर थोड़ी सी मेहनत कर लोगे तो क्या हो जाएगा, थोड़ी सी मेहनत करके कुछ मिलेगा ना, भगवान का कम से कम ये तो मिलेगा, सानिध्य तो मिलेगा, भगवान की कृपा तो मिलेगी, भगवान के चरणों में स्थान तो मिलेगा कम से कम। तो इसलिए अपनी बात को, अपनी वाणी को यहीं विराम देते हुए मैं आपसे पुनः आग्रह करते हुए आज का अपना हम यहीं समाप्त कर रहे हैं। ठीक है, मस्त रहें, स्वस्थ रहें, और आपसे पुनः आग्रह, वीडियो अच्छी लगे तो इसे सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हो सके तो कमेंट्स करें, कोई हमारी गलती है तो हमें बताएं। धन्यवाद।